सारना थाना क्षेत्र के पंचक्रोशी मार्ग स्थित एक मकान से अवैध रूप से शराब बेचने की मिल रही सूचना पर सारनाथ थाना अध्यक्ष ने छापा मारा। छापामारी में मौके पर मौजूद भेलूपुर थाने में तैनात कांस्टेबल प्रमोद व प्रवीण शुक्ला समेत दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उनके कब्जे से शराब बरामद की गई। पकड़े गए कांस्टेबल की निशानदेही पर हुकुलगंज स्थित एक मकान में बने गोदाम पर आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मारा। लॉकडाउन में शराब की दुकान बंद है, लेकिन यहां शराब की बिक्री की जा रही थी। वो यहीं से गोदाम से ले गया था, उसी आधार पर यहां पे एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और पुलिस की टीम द्वारा जांच की जा रही है। तो यहां पे काफी कुछ अभिलेख हैं और वो जो शराब है उसकी मिलान किया जा रहा है इस स्टॉक का कि वो सही है कि नहीं है। जैसा होगा जैसी चीजें मिलेगी उससे कार्रवाई करेंगे। और कुछ नकद भी बरामद किया गया, कैश भी है जिसका कि उनके स्टॉक से और उनकी बिक्री से देखा जा रहा है, क्योंकि इधर तो बिक्री जब से लॉकडाउन लागू हुआ बंद है तो उसका जस्टिफिकेशन अभी तक उन्होंने नहीं दिया फिलहाल ये क्यों है, लेकिन अब जब तक